तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया है कि इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और आपको रियल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि ये प्रोडक्ट कैसा होने वाला है, इस प्रोडक्ट में आपको कितने सारे बेस्ट और कितने सारे बैड फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बाई करो जो आप काफ़ी लॉन्ग टाइम यूज़ करो, जिसको लेकर आपको फ्यूचर में कैसी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि मैं अपने वीडियो में आपको प्रोडक्ट के बेस्ट और बैड फीचर्स दोनों का रिव्यू, दोनों की अनबॉक्सिंग करता हूँ, जो आपको कोई दूसरा यूट्यूबर नहीं बताने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बाई करो जो आप काफ़ी लॉन्ग टाइम यूज़ करो, जिसको लेकर आपको फ्यूचर में कैसी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और इफ़ेक्टिव होने वाला है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कोई भी इग्नोर मत करना, क्योंकि आपका भाई आपके लिए ऐसा ही नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशांत। तो करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग और देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा होने वाला है आपके लिए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इस प्रोजेक्टर का रिव्यू अनबॉक्सिंग करने वाला हूं जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, और ये जिब्रोनिक्स का प्रोजेक्टर होने वाला है, जिब्रोनिक्स ब्रांड का होने वाला है। और इसकी एमआरपी की बात करें तो भाई इसकी एमआरपी ज़्यादा हाई नहीं है, आप इसको मीडियम एमआरपी में बाई कर सकते हो। ओके, तो इस प्रोजेक्टर में आपको कैसे क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, स्पेशली इसकी पिक्चर्स की क्वालिटी कैसी होगी, ओके, और इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, तो आपका हर एक डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अगर आप एक प्रोजेक्टर स्टूडेंट को ट्रेनिंग देने के लिए बाई करना चाहते हो, या फिर आप मूवी वॉच करने के लिए, क्रिकेट वॉच करने के लिए एक प्रोजेक्टर बाई करना चाहते हो, तो ये कैसा क्या होगा, तो आपका हर एक डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। सो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आपका भाई अपने वीडियो में आपको रियल इन्फॉर्मेशन देता है। सो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड कर दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूं, तो आप सभी से पोलाइट हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मेरा थोड़ा सा चैनल ग्रो हो जाए उसके बाद मैं खुद प्रोजेक्टर को बाई करके रिव्यू अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट कर दूंगा, प्रोडक्ट को बाई करके रिव्यू अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट कर दूंगा। तो प्रेजेंट टाइम में आप सभी फ्रेंड के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, कोई भी इग्नोर मत करना फ्रेंड्स, एक दूसरे का सपोर्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, होप है आप सभी लोग समझते हो। सो प्लीज़ सब कोई भी इग्नोर मत करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, आपको देखने को मिल रहा है कि इसका लुक आपको काफ़ी बेस्ट देखने को मिल जाता है। ओके, ये देखो भाई, लुक काफ़ी आपको बेस्ट देखने को मिल जाता है। ओके, और फुल एचडी का ये प्रोजेक्टर होने वाला है, और पिक्चर्स क्वालिटी भी काफ़ी बेस्ट होने वाली है। इसमें आपको की भी देखने को मिल जाती है, रिमोट से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो और की से भी कंट्रोल कर सकते हो। इसमें आप अपना HDMI लगा सकते हो, USB लगा सकते हो, मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो, पिन ड्राइव भी लगा सकते हो। ओके, तो भाई काफ़ी बेस्ट होने वाला है, और इसको आप अपने फ़ोन के थ्रू स्क्रीन मिररिंग भी कर सकते हो, स्क्रीन कास्टिंग भी कर सकते हो, और इसके साथ इसका आपको चार्जिंग का केस भी देखने को मिल जाता है, मीन्स आपको इसका चार्जर भी देखने को मिल जाता है, रिमोट भी देखने को मिल जाता है, और कुछ केबलें भी देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं इसके मॉडल नेम की, कि भाई इसका मॉडल नेम क्या होने वाला है। तो इस प्रोजेक्टर का जो मॉडल नेम है, जिब्रोनिक्स जिब पिक्सा प्ले 11। ओके, तो ये इसका मॉडल नेम है, ये फुल HD का होने वाला है फ्रेंड्स। स्पीकर भी आपको इसी में इनबिल्ट देखने को मिल जाएगा। बात करें MRP की, तो 6,499 रुपये इस प्रोजेक्टर की MRP होने वाली है, जो कोई ज़्यादा हाई MRP नहीं, मीडियम MRP है फ्रेंड्स। ओके, और इसकी MRP प्लस माइनस होती रहती है, ये कोई फिक्स MRP नहीं रहती। यहाँ पे आपको 5,849 रुपये देखने को मिले, तो आपको ये इतने तक भी मिल सकता है, इसकी MRP सेम नहीं रहती, ये प्लस माइनस होती रहती है। इसमें आपको जो इसका डिस्टेंस रहने वाला है काफ़ी बेस्ट होने वाला है, 18.37 फुट का इसका आपको डिस्टेंस होने वाला है भाई, जो काफ़ी बेस्ट होने वाला है। 30,000 का आपको लैंप लाइफ हॉर्स देखने को मिल जाएगा, जो भाई काफ़ी बेस्ट होने वाला है। ओके, तो अब जिन लोगों ने इसको बाई किया है उनका क्या फीडबैक है, कैसी क्या इसमें पिक्चर्स क्वालिटी आती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रोजेक्टर को बाई करते हो तो ये देखो आपको देखने को मिला है, ये देखो ऐसी कुछ ऐसी पिक्चर्स क्वालिटी आती है, जो आपको काफ़ी क्लियर देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, काफ़ी बेस्ट इसका लुक होने वाला है। ये देखो फ्रेंड्स, ओके, ये देखो काफ़ी बेस्ट आपको पिक्चर्स की क्वालिटी देखने को मिल जाती है, ये देखो। ओके,
ये देखो, तो अगर आप इसको बाई करना चाहते हो लाइक स्टूडेंट को ट्रेनिंग देना, ओके, स्टडी के लिए बाई करना चाहते हो, तो भी भाई आप इसको डेफिनेटली बाई कर सकते हो, ओके, काफ़ी बेस्ट होने वाला है। ये देखो फ्रेंड्स, ये देखो, आप फुटबॉल वॉच करना चाहते हो या कुछ भी वॉच करना चाहते हो तो आप बाई कर सकते हो, और ये कुछ आपको ऐसा प्रोजेक्टर देखने को मिलेगा, और आप इसको काफ़ी लॉन्ग टाइम यूज़ भी करने वाले हो, आपको काफ़ी क्लियरली देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो आपको देखने को मिला कि भाई पिक्चर्स क्वालिटी काफ़ी बेस्ट होने वाली है, ये आप अपने वाल पर भी चला सकते हो, ओके, तो भाई काफ़ी बेस्ट होने वाला है। सो फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा। अगर आपका कोई डाउट है कि भाई ये बाई करूँ या कोई दूसरा बाई करूँ, करूँ कि ना करूँ, क्या करूँ, तो भी आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं उसका आंसर वहीं पे करूँगा, अदरवाइज उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो इतना ही है, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड लुक, टेक केयर, जय हिंद, बाय, ऑल द बेस्ट।